आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। 2026 तक हो सकता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का विस्तार, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव। नेचुरली वेंटिलेटेड पॉलीहाउस फैसिलिटी का शुभ आरंभ, स्वचालित तरीके से खुलेंगी और बंद होंगी पॉलीहाउस की छत। कोरोना संकट के बीच बढ़ी जैविक उत्पादों की मांग, घरेलू और निर्यात दोनों तरह की मांग में इजाफा। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अवधि 2026 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। पटेल ने ये जानकारी राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी। साथ ही उन्होंने सिंचाई योजना के अलग अलग मदों के लिए बजटीय आवंटन के बारे में भी जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। शुरुआत में ये योजना सिर्फ 5 साल के लिए लागू की गई थी। इस तरह इसकी पहली अवधि मार्च 2020 में ही समाप्त हो गई थी, लेकिन खेती की जरूरतों को देखते हुए 1 साल का और विस्तार कर दिया। इस हिसाब से मौजूदा अवधि मार्च 2021 को समाप्त हो चुकी है। किसान हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इसे और 5 साल यानी 2026 तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके लिए बकायदा प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया है। इस अम्ब्रेला योजना में मुख्य रूप से 2 घटक हैं, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी। हर खेत को पानी के भी 4 उपघटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत नवीनीकरण और बहाली व भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। अपने लिखे जवाब में प्रहलाद पटेल ने बजट के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि AIBP के अंतर्गत 2016-17 के लिए 3,307 करोड़ 88 लाख, 2017-18 के लिए 3,593 करोड़ 61 लाख, 2018-19 के लिए 2,849 करोड़ 7 लाख और 2020-21 के लिए 1,510 करोड़ 4 लाख रुपए आवंटित किए गए। हर खेत को पानी के अंतर्गत 2016-17 में 1,001 करोड़ 91 लाख, 2017-18 के लिए 1,678 करोड़ 13 लाख, 2018-19 के लिए 1,343 करोड़ 23 लाख, 2019-20 के लिए 1,217 करोड़ 97 लाख, 2020-21 के लिए 976 करोड़ 53 लाख रुपए और चालू वित्त वर्ष के लिए 899 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रति बूंद अधिक उपज में साल 2016-17 में 1,991 करोड़ 24 लाख, 2017-18 में 2,819 करोड़ 49 लाख, 2018-19 में 2,918 करोड़ 38 लाख, 2019-20 के लिए 2,700 करोड़ 1 लाख, 2020-21 के लिए 2,562 करोड़ 18 लाख और चालू वित्त वर्ष में 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2016-17 के दौरान 1,471 करोड़ 72 लाख, 2017-18 के दौरान 1,691 करोड़ 81 लाख, 2018-19 के दौरान 1,780 करोड़ 55 लाख, 2019-20 के दौरान 1,472 करोड़ 33 लाख, 2020-21 के दौरान 990 करोड़ 23 लाख और 2021-22 के दौरान 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
लुधियाना में नेचुरली वेंटिलेटेड पॉलीहाउस फैसिलिटी का शुभ आरंभ हो गया है। दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर हरीश हिरानी ने इसका उद्घाटन किया और रिट्रैक्टेबल रूफ पॉलीहाउस की आधारशिला रखी। भारत में कीटों के कारण हर साल करीब 15% फसल का नुकसान हो जाता है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन कीटों के खिलाफ पौधों की रक्षा प्रणाली को कम कर देता है, इससे नुकसान और बढ़ जाता है। सामान्य सर्दी, असामान्य गर्मी और असामान्य बारिश का एक कारण जलवायु परिवर्तन है। इसके अलावा तेज हवा और अपर्याप्त वाष्पोत्सर्जन की वजह से भी किसानों को कई तरह की समस्याएं होती है। पारंपरिक पॉलीहाउस से कुछ हद तक इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इस तरह के पॉलीहाउस में मौसम की विसंगतियों और कीटों के प्रभाव को कम करने के लिए एक स्थिर छत होती है। हालांकि छत को ढकने के अब भी नुकसान है, जो कभी कभी अत्यधिक गर्मी का कारण बन जाते हैं। इसके अलावा वे कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्पोत्सर्जन और जल तनाव के अपर्याप्त स्तर के लिहाज से भी संवेदनशील होते हैं। उद्घाटन करते हुए डॉक्टर हरीश हिरानी ने बताया कि ये रिट्रैक्टेबल रूफ पॉलीहाउस टेक्नोलॉजी हर मौसम में काम करने के लिहाज से उपयुक्त है। इसमें पॉलीहाउस की छत स्वचालित तरीके से खुलती और बंद होती है। इस प्रौद्योगिकी से किसानों को मौसमी और गैर मौसमी दोनों ही तरह की फसलों की खेती करने में मदद मिलेगी। ये पारंपरिक खुली मैदानी सुरंगों, प्राकृतिक रूप से हवादार पॉलीहाउस की तुलना में सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों का निर्माण करती है, जिससे उपज ज्यादा होती है और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। साथ ही ये जैविक खेती के लिए एकदम उपयुक्त तकनीक है। जगदीश माणिक राव वरिष्ठ वैज्ञानिक है, वो इस प्रौद्योगिकी के विकास में लगे अनुसंधान दल का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिट्रैक्टेबल रूफ का उपयोग सूर्य के प्रकाश की मात्रा, गुणवत्ता, अवधि, जल तनाव, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा फसल और मिट्टी के तापमान के स्तर को बदलने के लिए किया जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। लोग अब अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं, खासतौर से कोरोना ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सचेत बना दिया है। यही वजह है कि कोरोना के दौरान घरेलू बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ गई है, साथ ही इनके निर्यात मांग में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कोरोना के खिलाफ जंग में इंसान की प्रतिरोधक क्षमता सबसे मजबूत कवच माना जाता है। जैविक उत्पादों में इसी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं। यही वजह है कि 2021 में जैविक उत्पादों की घरेलू मांग में 17% और निर्यात मांग में 42% का इजाफा हुआ है। एसोचैम के मुताबिक 2021 के अंत तक जैविक बाजार 87 करोड़ रुपए के स्तर को भी पार कर जाएगा, जबकि 2016 में ये 53 करोड़ के आसपास था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल 8,19,250 टन जैविक उत्पादों के निर्यात की संभावना है। अमेरिकी करेंसी में इसकी कीमत 94,80,00,000 डॉलर बैठती है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों से युक्त खेती के प्रति पहले ही जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते अब लोग खुद भी जागरूक हो रहे हैं। जैविक खेती में चूंकि रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये ऐसी खेती है जिसमें रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। फसल चक्र कवर फसल पर जोर दिया जाता है और अंतर फसली खेती को बढ़ावा दिया जाता है। इससे मिट्टी की भी सेहत बनी रहती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, साथ ही जैव विविधता और पोषक तत्व व मिट्टी की जलधारण क्षमता में सुधार होता है। मिट्टी में कार्बन को अलग करने की क्षमता की वजह से जैविक कृषि ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी योगदान देती है। जाहिर है कि इससे जैविक खाद्य पदार्थ सुरक्षित और स्वस्थ होते हैं और प्रतिरक्षा को भी बढ़ाते हैं। खेती को रसायनों के जहर से मुक्त करने के लिए ही भारत सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास जैसी योजनाएं चला रही है। दोनों योजनाएं जैविक किसानों को उत्पादन से लेकर प्रमाणन और विपणन तक समर्थन देने पर जोर देती है। नाशपाती लगभग पूरे देश में उगाया जाने वाला फल है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी मैदानी इलाके में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। आलू एवं समशीतोष्ण फल अनुसंधान केंद्र मेनपाट सरगुजा ने पिछले कुछ साल के दौरान नाशपाती की कई उन्नत किस्मों का मूल्यांकन किया है। इसी मूल्यांकन के आधार पर छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में नाशपाती का विस्तार किया जा सकता है। नाशपाती की खेती के लिए मध्यम बनावटी वाली बलुई दोमट और गहरी मृदा की जरूरत होती है, ऐसी मिट्टी जिसमें से पानी आसानी से निकल जाए। इसके अलावा दूसरे पर्णपाती फलों के मुकाबले नाशपाती के पौधे चिकनी और ज्यादा पानी वाली मिट्टी में भी उगाए जा सकते हैं। आलू और समशीतोष्ण फल अनुसंधान केंद्र ने जिन प्रजातियों का मूल्यांकन किया है उनमें पत्थर नाक, पंजाब नक, पंजाब गोल्ड, पंजाब नेक्टर, पंजाब ब्यूटी और बागू गोसा प्रमुख है। पत्थर नाक कठोर फल वाली और फैलने वाली किस्म है। इसके फल सामान्य आकार के गोल और हरे रंग के होते हैं, जिन पर बिंदियां भी बनी होती हैं। आमतौर पर नाशपाती के फल जून के पहले हफ्ते में पकने लगते हैं, लेकिन ये किस्म जुलाई के आखिर सप्ताह में पककर तैयार होती है और प्रति पेड़ 150 किलो से ज्यादा फल देती है। पंजाब नक भी कठोर और फैलने वाली किस्म है। इसके फल अंडाकार, हल्के पीले रंग के और रस भरे होते हैं, इन पर बिंदियां भी बनी होती हैं। पंजाब कोल्ड सामान्य नरम फल वाली किस्म है। ये जुलाई के आखिरी हफ्ते में तुड़ाई के लिए तैयार होती है और कई तरह के उत्पाद बनाने में काम आती है। पंजाब नेक्टर भी सामान्य नरम प्रजाति है। इसके फल सामान्य से बड़े आकार वाले, बाहर से पीले हरे रंग के और अंदर से सफेद गूदे वाले होते हैं। पकने के समय ये बहुत ही रसीले हो जाते हैं। पंजाब ब्यूटी भी सामान्य नरम फल वाली किस्म है। इसके फल भी सामान्य से कुछ बड़े आकार वाले, पीले हरे रंग के होते हैं और इनका गूदा भी सफेद होता है। इसके फल बहुत रसीले और मीठे होते हैं। बागू गोसा सामान्य नाशपाती की किस्म है जो अगस्त के पहले हफ्ते में पककर तैयार होती है।
अगर आपको फसल बेचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है तो फिर ये किस्म आपके लिए बिल्कुल सही है। जब तक बाग में फल ना लगने लगे तब तक खरीफ के दौरान उड़द, मूंग और तोरियां जैसी फसलें ली जा सकती हैं, जबकि रबी मौसम में गेहूं, मटर, चना और सब्जियां लगा सकते हैं। आलू एवं समशीतोष्ण फल अनुसंधान केंद्र ने 3 साल के प्रयोग के दौरान पाया कि रबी के मौसम में आलू, मटर, बरपट्टी, प्याज, टाऊ, गेहूं, हल्दी और अदरक की फसल बहुत आसानी से ली जा सकती है। नाशपाती का हर पेड़ आमतौर पर 1 से 2 क्विंटल के बीच उत्पादन देता है। इस तरह प्रति हेक्टेयर बाग से 400 से 700 क्विंटल फल प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं अब कार्यक्रम में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2021 से 2029-30 तक। 1,00,000 करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30,000 करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। दिल्ली के एक मधुमक्खी पालक ने छोटे स्तर पर मधुमक्खी पालन की शुरुआत की और आज उन्होंने अपने व्यवसाय को शहद के निर्यात तक पहुंचा दिया है। आइए देखते हैं उन्हीं सफल मधुमक्खी पालक की सफलता की दास्तान। मधुमक्खियों से हमें मुख्य रूप से शहद और मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन कृषि एवं बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है।
मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम खर्च में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन मधुमक्खी पालन के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। मधुमक्खियों को रोगों से मुक्त रखना जरूरी है। मधुमक्खियों में कई तरह के रोग होने की आशंका रहती है। सेकब्रूड बीमारी मधुमक्खियों के शिशुओं में कोष्ठ बंद होने से पहले आती है। इसमें लार्वे के बाहर चमड़ी मोटी हो जाती है और अंदर के अंग पानी की तरह हो जाते हैं। ये एक विषाणु रोग है। इस रोग के प्रकोप को कम करने के लिए कॉलोनी की साफ सफाई रखना जरूरी है। यूरोपीय फाउल ब्रूड भी मधुमक्खियों में होने वाला एक प्रमुख रोग है। ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है। इसमें मधुमक्खी के लार्वे अंडे से निकलने के बाद 1 से 3 दिन के अंदर ग्रसित हो जाते हैं। शुरू में हल्का पीला, बाद में ब्राउन और आखिर में काले रंग की स्केल बनाकर कोष्ठ की तली में पड़े दिखाई देते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए मधुमक्खी पालक विषय विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नोजेमा भी मधुमक्खियों में होने वाली बीमारी है। ये वयस्क मधुमक्खियों की सबसे गंभीर बीमारी है और कर्मचारियों, नर मधुमक्खियों और यहाँ तक कि रानी को भी प्रभावित कर सकती है। ये नोजेमा एपिस और नोजेमा सेरेना प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये रोगाणु बीजाणु बनाते हैं जिन्हें वयस्क मधुमक्खियाँ अपने भोजन के साथ ग्रहण कर लेती हैं। इसके बाद ज्यादातर संक्रमित मधुमक्खियाँ गंभीर पेचिश रोग से ग्रस्त हो जाती हैं और छत्ते के अंदर मल मूत्र त्याग कर सकती हैं, जो सामान्य स्थितियों में कभी भी इतना ज्यादा नहीं होता। संक्रमित कर्मचारी मधुमक्खियाँ बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और छत्ते के भारी काम को संभाल नहीं पाती। भोजन के लिए घूमने वाली मधुमक्खियाँ अक्सर अत्यधिक थक जाती हैं और छत्ते पर आने से पहले ही मर जाती हैं। नोजेमा एपिस और नोजेमा सेरेना के हमले के दौरान और इसके बाद हमें छत्ते के सामने मरी हुई मधुमक्खियाँ मिलती हैं। मधुमक्खियाँ जमीन पर रेंगती हुई या इससे चिपकी हुई मिलती हैं। कोश के अंदर या बाहर दस्त के निशान दिखाई पड़ सकते हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए मधुमक्खी पालक विषय विशेषज्ञ की सलाह से उचित उपयोग कर सकते हैं। हमने अपना ग्रेजुएशन के समय पढ़ते समय ही हमने बी कीपिंग शुरू किया 97 में। हमने 10 कॉलोनी से शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ा के वो हम 2000 बी हाइव 2000 मधुमक्खी की कॉलोनी अब हमारे पास है, जिसमें हमने इटालियन एपिस मेलिफेरा प्रजाति को मधुमक्खी पालन के लिए अपनाया, जिसकी अन्य प्रजाति के मुकाबले प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन, पोलन कलेक्शन ये बहुत ज़्यादा है। और जहाँ हम अपने लिए शहद का उत्पादन करते हैं मधुमक्खी पालन से, पोलन का उत्पादन करते हैं, वहीं किसान को पोलिनेशन के माध्यम से उनकी फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ये सब सोच के हमने पढ़ते टाइम ही ये बी कीपिंग शुरू किया था। बागपत उत्तर प्रदेश से शुरू किया, बल्कि हमारे क्षेत्र में गन्ना का उपज ज़्यादा होती है, शुगर कैन ज़्यादा होता है। विपरीत परिस्थिति होते हुए भी हमने वहाँ पर मधुमक्खी पालन का उत्पादन शुरू किया और माइग्रेटेड बी कीपिंग शुरू किया, जिससे कि हमको ज़्यादा मात्रा में शहद का उत्पादन मिल सके, क्योंकि गन्ने से ना नेक्टर मिलता ना पोलन मिलता। हमने उसी प्रकार से दूसरे स्टेट में जाके ये जगह खोजी के जहाँ पे पोलन की मात्रा ज़्यादा हो, जहाँ शहद की मात्रा, नेक्टर की मात्रा हमें ज़्यादा मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो किसान भाई को मधुमक्खी का प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे किसान को देख के अगर हम शुरू करते हैं, प्रशिक्षण हमने नहीं लिया तो हम उस मधुमक्खी पालन में फेल हो जाते हैं। सबसे पहले हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए जो नेशनल बी बोर्ड से या कृषि विज्ञान केंद्र से या जिला उद्योग से या हॉर्टिकल्चर विभाग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 7 दिन का ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, उसके बाद फिर हम उसको लगभग 50 कॉलोनी से शुरू कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस कोरोना काल में और साथ ही साथ मॉनसून के समय में पशुपालन के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। क्या कुछ खास है इस एडवाइजरी में, आइए आपको दिखाते हैं। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती हैं, इसके लिए टीकाकरण होता है।
पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखे। इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नांद को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करें। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे, इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। किसी बीमारी की वजह से जिन पशुओं का इलाज हुआ हो तो इलाज का उसका पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखें। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आपको स्कैन करना है और किसी भी समय आप देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर। नमस्कार।